पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, माकपा नेता सीताराम येचुरी और शरद पवार ग्वालियर में सीए एनपीआर और एनआरसी के विरोध में आयोजित सभा में शामिल हुए। इस दौरान सिंह ने कहा कि रोजगार और शिक्षा जैसी समस्याओं से ध्यान हटाया जा रहा है। वहीं येचुरी ने कहा कि व्यक्तिगत धर्म के नागरिकता के साथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। शरद यादव ने हमला करते हुए कहा कि मीडिया संस्थान के मालिक चौथा खंभा बना हुआ है। इस कानून से पूरे 130 करोड़ जनता प्रभावित होगी और घुमंतु जाति अब क्या कहिएगा, वो कहाँ पैदा हुआ? जो गडालू लोहार जाते बेचारे अपने, उनसे पूछिए तुम्हारे पिताजी कहाँ पैदा हुए, उनका हमको खुद को नहीं मालूम हम कहाँ पैदा हुए। तो इस हालात में हमारा ये पूरा देश के अर्थव्यवस्था से बिगड़ती अर्थव्यवस्था और बढ़ती हुई बेरोजगारों की संख्या के कारण ध्यान बांटने के लिए यह सारा कानून लाए गए हैं। जब से आई है इस देश में लव जिहाद, घर वापसी, गाय 370, कॉमन सिविल कोड, ये सब इसलिए गिना रहा हूं मैं कि एक ही काम है, कैसे हिंदू मुसलमान धार्मिक रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट कैसे हो, बेरोजगारी 70 बरस में सबसे ज्यादा। हमारे देश के अंदर ये कानून जो लाया गया नागरिकता का, हम जो मानते हैं कि ये गैर संवैधानिक, ना सिर्फ गैर संवैधानिक, संवैधानिक का के ऊपर एक हमला है, क्योंकि अभी आज तक हमारे संविधान के चलते में नागरिकता को किस धर्म के साथ नहीं जोड़ा गया। अब धर्म के साथ जोड़ा जाना, ये समझते हैं कि आगे के लिए भी ये बड़े खतरनाक रास्ते खोलते हैं। सवाल यहाँ पर फर्क पड़ेगा या नहीं की बात नहीं, ये जरूरी क्या है कि धर्म को, एक व्यक्ति के धर्म को जोड़े आप नागरिकता के साथ, आगे को यही धर्म की बात आगे बढ़ सकती है बाकी धर्मों के लिए, बाकी माइनॉरिटी के लिए।